म्योरपुर ब्लॉक के गोविंदपुर स्थित बनवासी सेवा आश्रम में स्वर्गीय प्रेम भाई के पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना कर उन्हें जल पुरुष राजेंद्र सिंह राणा और कार्यकर्ताओं, क्षेत्र के प्रधान और ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही गंगा सद्भावना यात्रा निकाल के गंगोत्सव पर चर्चा की गई। मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित श्री राणा ने कहा कि 25 साल की उम्र में प्रेम भाई ने मुझे नदियों पर काम के लिए प्रेरित किया। वे मेरे गुरु रहे और आश्रम मेरा धर्म तीर्थ स्थल है। स्वामी सानंद की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि संस्कृति और भारतीय आत्मा को जिंदा रखने के लिए गंगा पर कानून बनाना आवश्यक है। गंगा कोई साधारण नदी नहीं, हम सबकी माँ है और माँ को बचाने के लिए देशवासियों को आगे आना होगा। बताया कि अविरलता से ही गंगा की निर्मलता संभव है, जिसे सरकार अनदेखी कर रही है, पर माँ को बचाने के लिए भी सरकार की राह देखना तो बड़ी भूल होगी। दिवस है इस पर यहाँ गंगा सद्भावना गोमुख से चलकर बनवासी सेवा आश्रम पहुंची है। स्वामी सानंद जी का जो जीवन का उद्देश्य था, जो उनका सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए गंगा सद्भावना यात्रा ने इस चेतना को पूरी गंगा क्षेत्र में, पूरे भारत क्षेत्र में फैलाने का निर्णय लिया है। उनके जो संदेश थे और गंगा के बारे में जो वो सत्य बताते थे, असलियत में स्वामी सानंद गंगा जी के सबसे अच्छे चिकित्सक थे। वो गंगा जी की बीमारी को भी जानते थे और वो उसकी अच्छी चिकित्सा भी जानते थे। लेकिन दुर्भाग्य है हम सबका कि हम उनकी सेवाओं का गंगा जी के लिए लाभ उठा नहीं पाए। वो जब भी कुछ काम करते थे तो सरकारें और सरकारों के अधिकारी उसको ठीक से समझने की कोशिश नहीं करते थे। वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे, एक ऐसे आध्यात्मिक पुरुष थे जिनमें विज्ञान और अध्यात्म का गहरा योग था, लेकिन इस गहरे योग के बिना गंगा जी बच नहीं सकती। लेकिन ये किसको समझ में आए, किसको समझाएं? जो समझने वाली सरकारें हैं उनके मन में विकास का जो लालच है, उस विकास के लालच में गंगा की सच्चाई को समझने की चाह और सच्चाई को समझने की शक्ति नहीं दिखती। इसलिए स्वामी सानंद जी ने अपना बलिदान दिया और उनके बलिदान से आज देश भर में उनके स्थान पर 5 संत बैठ गए हैं ये इसी प्रकार का अनशन करने के लिए। और हम जैसे लोग जो समाज में इस चेतना को फैला सकते हैं, वो लोग इस चेतना को फैलाने का काम कर रहे हैं। विभास सुबह जैसी हमारी बहनें और बहुत सारे भाई इस काम में लग गए हैं, जो गंगा को अविरल और निर्मल बनाना चाहते हैं। आज हम बनवासी सेवा आश्रम में हैं। बनवासी सेवा आश्रम में आज प्रेम भाई का पुण्य दिवस है और हमारी रागनी बहन का स्मृति दिवस भी है, और आज ही यहाँ पर स्वामी सानंद जी का भी स्मृति दिवस मनाया गया। ये जो स्मृतियां हैं, ऐसी स्मृतियां जो हमें चेतना देती हैं, हमें समझ देती हैं, हमें शक्ति देती हैं, इन शक्तियों को बनाए रखने के लिए इस देश के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। इस देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि हमें कल का कैसा विकास चाहिए, हमारा कल का भारत कैसा होना चाहिए, हमारे कल के भारत में गंगा कैसी होनी चाहिए, हमारे कल के भारत में हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। इसलिए हमारा स्वास्थ्य और गंगा माँ का स्वास्थ्य का जो रिश्ता है, उसको समझने की बहुत जरूरत है। उसको समझने के लिए आज यहाँ बनवासी सेवा आश्रम में एक चिंतन गोष्ठी हुई। उस चिंतन गोष्ठी में स्वामी जी के सपनों को साकार करने और स्वामी जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प संगोष्ठी हुई। उसी में हमारी सद्भावना यात्रा ने, हमारे सद्भावना के यात्रियों ने, सबने अपनी अपनी बातें रखी।